हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं हमारे टेरेस गार्डन में, देखते हैं इसका क्या हाल हो रहा है। काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कई पौधों में ओवर वाटरिंग हो चुकी है, जिससे काफ़ी गल चुके हैं, जड़ें बहुत फैल चुकी हैं। कल भी मैंने रिपोर्टिंग करी थी, एक मेरा पाम प्लांट था उसका भी बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो खाली करके मैंने उसको अच्छे से किया। तो ये दूसरा प्लांट है, इसको भी मैं करती हूँ, देखती हूँ उसमें क्या हो रहा है। कल तो ना टाइम मिला नहीं मुझे, इसको खोद खोद के निकाल रही हूँ, बहुत सख्त हो गया है, पूरे में जड़ जड़ हो गई है, इसमें खोद खोद के निकालना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है मुझे। देखिए इसमें फंगस हो चुकी है, शायद आप देख पा रहे होंगे उसमें कैमरे में, वाइट वाइट हो गया पूरा। तो मैं इसको ऊपर ऊपर से पूरा निकाल लेती हूँ, उसे जड़ें काट काट के, जिससे कि अच्छा ग्रो करेगा। देखिए कितना सख्त, इतनी सारी जड़ें हो गई इसमें, बड़ी मुश्किल से काट काट कर निकाला जा रहा है मेरे से चाकू से, और इसकी बड़ा सख्त हो गई है ये, इतनी सारी फैल चुकी हैं इसको, तो उसको ग्रो करने के लिए गमले में जगह ही नहीं बची, इसको काट काट के अलग करना पड़ रहा है मुझे। इस तरह से इसको जड़ों को अलग कर लें, उसकी बेकार जो मिट्टी है उसको भी हटा के अलग कर दें, जैसे कि वापस फंगस ना लगे। और आपके पास सूखी मिट्टी हो, दूसरी ताज़ा मिट्टी वो डालें, जिससे कि अच्छी तरह ग्रो करे। तो मैंने गमला अच्छी तरह धो लिया है, धो करके तो उसमें और मिट्टी थी मेरे पास, पहले मैंने वो डाल दी, इसकी मिट्टी थी जो मैंने धूप में रख दी, जिससे कि वो सूख जाए, फंगस वगैरह हो, कीड़े वीड़े हों तो वो मर जाए, वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी उसको। इसको खाली करके मैंने प्लांट को उसमें लगा दिया, और थोड़ी मिट्टी और चाहिए तो मैं ले लेती हूँ, यहाँ से डाल दूँगी। अभी छोटे छोटे गमले में मेरे पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है, इसकी तो मैंने अलग रख दी है, और ये डाल देती हूँ। जितना इसमें अच्छी तरह दबा दबा के मिट्टी भर लें, और दो तीन दिन इसको धूप में रखें, जैसे कि इसका फंगस वंगस थोड़ा बहुत और हो तो वो अच्छे से ठीक हो जाए, और ये अच्छे से ग्रो करें।